तो ये है एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश डैश पॉइंट्स। पहला पार्ट हम करने वाले हैं, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश डैश पॉइंट। एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट्स में, एक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट्स में, यानी कितनी पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट काटता है सर्कल को, यह है क्वेश्चन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक सर्कल मान लेते हैं, तो ये इसका सेंटर ओ। एक टेंजेंट एक सर्कल को वन पॉइंट्स एक टेंजेंट एक सर्कल को वन पॉइंट पे, एक पॉइंट पे यहां पर इंटरसेक्ट करता है टेंजेंट। मैंने इससे पहले भी बताया कि टेंजेंट सिर्फ सर्कल के एक ही पॉइंट के साथ टच करता है। एक ही पॉइंट पे टेंजेंट किसी भी सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, तो इसका आंसर है वन पॉइंट। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट पार्ट को ये सॉल्व किया हमने यहाँ पर, अब सेकंड पार्ट को पहले पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए सेकंड पार्ट क्या है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डैश डैश। एक लाइन जो एक सर्कल को टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं, यह है क्वेश्चन। तो हम पहले सर्कल बनाते हैं, मैं हाथ से बनाता हूँ, आप कंपास से बनाना। तो इसके बाद क्वेश्चन बता रहा है हमें, एक लाइन, ये लाइन टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ये टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, एक दो पॉइंट्स पे। तो इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने के बाद हमें बताना है कि इस लाइन को हम क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया है इससे पहले, सिखाया है कि कॉर्ड और सिकेंट में क्या डिफरेंस है। अगर आपको पता नहीं तो आप चैनल पे जाके वो देखिए कि कॉर्ड और सिकेंट में क्या डिफरेंस है। क्योंकि ये लाइन इसको काटती है दो पॉइंट्स पे, तो तभी हम इसको सिकेंट कहते हैं। तो अगर ये कॉर्ड होता, अगर ये लाइन ऐसे होती अंदर से दो पॉइंट तक सिर्फ, यहाँ अंदर से ऐसे ऐसे, तब हम इसको कार्ड कहते हैं। क्योंकि ये बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तभी हम इसको सेकेंड कहते हैं। इट मीन्स इसका आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर सेकेंड। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम करते हैं। ये है, ए सर्कल मे हैव, ये मैंने लिखा है मे हैव डैश डैश पैरेलल टेंजेंट्स। एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो मैं सर्कल बनाऊंगा, एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले समझाया, सिखाया है कि एक सर्कल के सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। अगर एक सर्कल इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट का दूसरा इस साइड में होगा, वो पॉइंट और ये पॉइंट आपस में पैरेलल होंगे। जब इन दो पॉइंट्स के साथ ये टेंजेंट लाइन
टच करेगी तो इसका मतलब सिर्फ यही दो लाइन्स पर्ल होंगे। इट मीन्स ए सर्कल कैन हैव ऑनली टू पर्ल टेंजेंट्स। सर्कल के सिर्फ दो ही पर्ल टेंजेंट्स हो सकते हैं और इसके अलावा कोई पर्ल टेंजेंट नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे ए सर्कल मे हैव टू पर्ल टेंजेंट्स। इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपने लिखना है टू पर्ल टेंजेंट्स, इसके टू पर्ल टेंजेंट्स होंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड। टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट उसको क्या कहते हैं? सर्कल या से टेंजेंट कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड द सर्कल, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो यहाँ से ये जो पॉइंट रेडियस और यहाँ पर कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट पे जिस पे टच करता है ये सर्कल रेडियस के साथ, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।